किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने ये पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वो भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वो उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ, तुम भी ऐसा करो।